जिसे लोग समझते थे आम आदमी, वो निकला अभिनेता कादर खान का बेटा। तस्वीरें देखकर यकीन नहीं करेंगे। बॉलीवुड में भले ही आप आज के नए सेलिब्रिटीज के बारे में न जानते हो, लेकिन पुराने सेलिब्रिटीजों की जगह आज भी लोगों के दिलों में बनी हुई है। जहां भी उनके फिल्में के गाने बजने लगे, लोग झूमना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के ही नाम से उनके परिवार खानदान का भी नाम लोगों को रट जाता है। ऐसे ही आज हम आपको बॉलीवुड के एक अभिनेता से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे लोग छोटा मोटा हीरो समझ रहे थे, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं है, बल्कि मशहूर अभिनेता कादर खान का बेटा निकला। 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले कद्दार खान ने लोगों के दिलों में एक खास पहचान बना ली थी। कॉमेडी से लेकर एक से एक बादशाह की एक्टिंग करने में कद्दार खान ने अच्छे अच्छे अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया था। खैर, आज हम उनके जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ही खास चाहते लाडले बेटे की बात कर रहे हैं, जिसे लोग अभी तक एक छोटा मोटा अभिनेता समझ रहे थे। जब लोगों की उसकी सच्चाई पता चली तो लोगों के होश उड़ गए। आपको बता दें कि कादर खान ने अपने करियर की शुरुआत करते हुए अजरा खान से शादी कर ली थी, जिनसे उनके 3 बेटे पैदा हुए, लेकिन लोगों ने कादर खान के आगे कभी उनके टैलेंटेड बच्चों पर नजर ही नहीं डाली और ना ही कभी कादर ने अपने बच्चों को फिल्मों में लॉन्च करने का सोचा। लेकिन पिता की परछाई बच्चों से हट नहीं पाई और इस बेटे पर पड़ी गई, जिसे लोग पहचान ही नहीं पाए। कादर खान चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन उनके बेटे सरफराज खान ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के सामने एक्टिंग की कैरियर बनाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर कादर खान ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन एक्टर में नहीं हूं जो अपने बच्चों पर बिना मतलब पैसा लगाऊंगा। वहीं सरफराज ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे ही रहे। पिता के मना करने के बावजूद सरफराज ने अभिनेता बनने में काफी मेहनत की, जिसके बाद वो कुछ फिल्मों में नजर आए हैं। अगर आपने सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम देखी होगी तो आपको उसमें सरफराज खान भी दिखे होंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सलमान खान की दूसरी बड़ी हिट फिल्म वांटेड में भी अपने अभिनय की कला दिखाया है।